तो भैया काट टुकुर टुकुर देख रहे हो, चैनल तो सब्सक्राइब करते नहीं। तो भैया सबसे पहले चैनल जो है सब्सक्राइब करो, उसी के बाद वीडियो देखो, साथ ही साथ बैल का आइकन भी दबा दो। बैल का आइकन दबाने से फायदा ये होगा कि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भारत और आप देख रहे हैं आपका अपना ओनली फॉर यू चैनल। तो दोस्तों जब हम कंप्यूटर को खरीदते हैं तब दोस्तों आप देखते होंगे कि उसकी स्पीड काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन दोस्तों जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है नए नए सॉफ्टवेयर जो है हम हमारे कंप्यूटर में डालते जाते हैं, वहाँ पर दोस्तों एक प्रॉब्लम ये आती है कि कुछ टाइम के बाद में आपका कंप्यूटर हैंग होने लगता है और स्लो होने लगता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टेक्निक बताऊँगा कि जिससे कि आपका स्लो और हैंग होने वाला कंप्यूटर जो है फिर से पहले जैसा, मतलब कि जब आपने नया खरीदा था बिल्कुल वैसा हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात कि जो भी आपके डेटा होते हैं, चाहे वीडियो हो, कोई गेम्स हो, उन सबको आप सी ड्राइव में ना रख के दूसरे ड्राइव जैसे कि डी और ई में रख दें। यहाँ पर दोस्तों कुछ लोग ये गलती करते हैं, सोचते हैं कि जो डेस्कटॉप स्क्रीन है वो सी ड्राइव का पार्ट नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर में डेस्कटॉप स्क्रीन पर हम कई चीज़ें सेव रखते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ डेस्कटॉप स्क्रीन को जितना आप फ्री रख सके, जितना क्लीन रख सके उतना क्लीन रखें, क्योंकि वो भी सी ड्राइव का पार्ट है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि वो कौन कौन सी ट्रिक्स है जिनके द्वारा आप अपने कंप्यूटर को फास्ट बना सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने ओपन कर लिया है अपना लैपटॉप। तो यहाँ पर दोस्तों कंप्यूटर को स्पीड अप करने के लिए जो सबसे पहली चीज़ आपको करनी है वो ये है कि आपको यहाँ टाइप करना है रन। रन करने के बाद में आपको एंटर करना है और यहाँ पर लिखना है परसेंटेज टैम्प परसेंटेज, ठीक है, आपको यही चीज़ लिखनी है और उसके बाद में आपको कर देना है ओके। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ फाइल्स दिखेंगी, यहाँ पर आपको इस तरह से सबको सिलेक्ट कर लेना है और राइट क्लिक करके आपको कर देना है डिलीट। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हैं तो आपको ये प्रोसेस रोज करनी है, लेकिन अगर आप सिर्फ मूवी देखते हैं या दूसरा कुछ काम करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप हफ्ते में भी एक बार करेंगे तो चलेगा, ठीक है। दूसरा तरीका दोस्तों, आपको जाना है रन में। रन में जाने के बाद आपको टाइप करना है क्लीन एम जी आर, उसके बाद में आपको एंटर कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये आपसे पूछ रहा है कि कौन सी ड्राइव आपको करनी है, तो आपको यहाँ पर सिर्फ सी ड्राइव ही करनी होगी। तो मैं ओके कर देता हूँ, उसके बाद ये दोस्तों डिस्क क्लीनअप करेगा, तो इसे जो है हो जाने दीजिए। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 26.4 MB का जो है टेम्पररी इंटरनेट फाइल और ये सब चीज़ें हैं, यहाँ से ओके कर दीजिए, यहाँ पर डिलीट फाइल कर दीजिए, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये था दोस्तों दूसरा तरीका, अब बढ़ते हैं तीसरे तरीके की तरफ। यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे की तरफ जाना है, टास्क बार में राइट क्लिक करनी है और यहाँ पर आपको चले जाना है टास्क मैनेजर में। टास्क मैनेजर में जाने के बाद में दोस्तों आपको जाना है स्टार्टअप में। स्टार्टअप में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर जितने भी चीज़ें आपको दिखती हैं उन सबको डिसेबल कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी सब डिसेबल करके रखा है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि सपोज कीजिए कि ये है इनेबल, इनेबल पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको कर देना है डिसेबल, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि नीचे इतने सारे प्रोग्राम लोड होते हैं, तो इन सब प्रोग्रामों को जितना आप डिसेबल रखेंगे उतना आपका कंप्यूटर जो है वो फास्ट चलेगा, ठीक है। तो ये था दोस्तों तीसरा तरीका। दोस्तों चौथे तरीके में आप जो भी चीजें जो हैं डिलीट करते हैं वो बाय डिफॉल्ट चली जाती हैं रिसाइकल बिन में। तो यहां पर देख सकते हैं दोस्तों रिसाइकल बिन में जाने के बाद भी आपको इन चीजों को डिलीट करना पड़ता है ताकि ये चीजें कंप्यूटर में से परमानेंटली डिलीट हो सकें। तो यहां पर रिसाइकल बिन पे आपको राइट क्लिक करना है और यहां पर कर देना है एम्प्टी रिसाइकल बिन और यहां पर कर देना है आपको यस। अब आपको जो पांचवी चीज करनी है कंप्यूटर को स्पीड बढ़ाने के लिए, वहां पर माय कंप्यूटर में जाना है, यहां पर सी ड्राइव पे राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टी में जाना है और यहां पर आपको क्या करना है टूल्स में जाना है और यहां पर कर देना है ऑप्टिमाइज। तो यहां पर दोस्तों आपको क्लिक कर देना है ऑप्टिमाइज पर। तो ये जो है थोड़ा सा टाइम लगेगा इस प्रोसेस को होने में, तो यहां पर आपको ये करना भी नहीं भूलना है।
तो अगर आप ये पांच चीजें अपने कंप्यूटर के साथ करेंगे दोस्तों, तो आपका जो कंप्यूटर है वो कभी भी स्लो या हैंग नहीं होगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए एंड हाँ, इसे अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले। मैं इसी तरह से इंपॉर्टेंट वीडियोस लाता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।